हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको भी डिस्कस करती हूँ, साथ ही साथ उसको कैसे डील करना है उसको भी इसी चैनल पे आप लोगों को बताती हूँ। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 6 का है, यूनिट 5, 4, 3, 2, 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। ये यूनिट 6 का है तो देख लेते हैं। पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और सॉल्व एग्जांपल्स भी मैंने कुछ कुछ इसमें लिए हुए हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2016 में आया हुआ है। शो डैट द इंटीग्रल 1 से ∞ एक्स की पावर एन माइनस 1 ई माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 2017 में पूछा गया था। डिस्कस द कन्वर्जेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 2015 में पूछा गया है। एग्जामिंग द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 to ∞ डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ये क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी पूछ लिया करता है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, इस कन्वर्जेंस इंटीग्रल के कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है, ठीक। देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, ये सॉल्व एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है। आप अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देख लेते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। प्रूव डैट इंटीग्रल 0 to 1 लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 5 क्या है, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। यही क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। शो डैट द इंटीग्रल 0 to 1, ये चीज लिख देगा और कहेगा कन्वर्ज करो इफ़ एम बड़ा हो 0 से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लॉन्ग में पूछ लिया करता है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दिया हुआ है इसको कन्वर्जेंस करना है। 0 से 1 गया हुआ है, एक्स की पावर पी लॉग 1/x की पावर क्यू डी एक्स, ठीक। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लॉन्ग में पूछा गया है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय इवैल्यूएटिंग दिंग। पहला दिया हुआ है इंटीग्रल 1 से ∞ डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2 और दूसरा दिया गया 0 से ∞ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। थर्ड दिया गया 0 से 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। इसको हमें कन्वर्जन बताना है और इसकी वैल्यू को निकालना है, इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 2017 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन 0 से ∞ एक्स की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 2008-11 में पूछा गया है। प्रूव डैट अंडर रूट एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन अंडर रूट एन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, 2009 में पूछा गया है। इवेल्युएट करना है इंटीग्रल साइन की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको एग्जाम में लगाकर ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 2008 में पूछा गया है। प्रूव डैट बीटा एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट एम अंडर रूट एन अपॉन होल अंडर रूट एम प्लस एन वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। इसके सिंबल्स के यूजुअल मीनिंग है उसको भी हमें बताना है, ठीक, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रूव डैट ये हमारा इंटीग्रल दिया गया है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 2005 में पूछा गया है। प्रूव डैट ये हमारा ये भी इंटीग्रल दिया गया है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। लॉग 1/x की पावर एन माइनस 1 डी ऑफ वाई इंटीग्रेट करके इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। शो डैट आर 1/2 इज इक्वल टू पाई, इसको भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 2018 इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 1 से 0 to 1 गया हुआ है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 - x^5 dx। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग इसको एग्ज़ाम में लगा के जाएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होंगे। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताती हूँ जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और प्रीवियस ईयर में भी मैंने जितने भी बताए हुए प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें भी मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए हुए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।